जय हिंद क्लेसर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। गाइस, लैब का काम खत्म एंड अपने अपने को अभी चाहिए बैरक अपग्रेड पे डाल देते हैं। लून्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने दो बिल्डर बाकी हैं, इनको हम लोग अब इनसे अपग्रेड कराएंगे अपनी एक कैनन से एंड ये ओके अपने पास वाल्स अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अपने पास गोल्ड बहुत है, एलेक्जियर बहुत है। आज हम लोग सारी वाल्स अपग्रेड कर डालेंगे जितनी वाल्स हैं, ठीक है। ट्रेजरीज में से निकाल लेंगे गोल्ड अगेन। ओके, अभी भी बहुत सारा गोल्ड भरा पड़ा है ट्रेजरी में अपनी, एंड यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी वॉल्स हमने अपग्रेड कर ली एंड अभी आधी वॉल्स कम से कम बची हैं। तो अपग्रेड कर लेते हैं फटाफट एंड अब डाल देते हैं एयर डिफेंस या फिर कैनन से। ओके, अभी लगता है इसमें गोल्ड कम है अपने पास, तो हमने ले लिया है यहाँ से साइड से। तो अभी आर्चर एंड जो जो अपग्रेड करने वाला था अपग्रेड कर दिया एंड आज के हम लोग मल्टीप्लेयर बैटल के अटैक स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो ये बेस है थोड़ा टाउन हॉल 4 नहीं 5 का, क्योंकि इसमें भेजा टावर है बाहर की साइड पे, आर्चर है एंड बाकी डिफेंस तो है ही अपने। तो यहाँ पर वेट करते हैं हम लोग, भेजा टावर डाउन हो जाए उसके बाद अपनी आर्चर्स को डिप्लॉय करेंगे। वाल ब्रेकर डिप्लॉय कर दिया, वाल्स ओपन हो चुकी है फाइनली एंड अपने जाइंट्स अंदर की साइड पर एंटर करेंगे, तब हम लोग अपने हॉक्स को डिप्लॉय करेंगे। और ये ऐसा ही हमने कुछ कर दिया है, आर्चर टावर को टारगेट करके पहुंच चुके हैं। हॉक्स अपने अंदर की साइड पे एंड जायंट भी अंदर पहुंच चुके हैं, मोटार निकल चुकी है डिफेंस के पास पहुंच चुके हैं हॉक्स एंड जायंट। तीन अभी कैनन से प्रॉब्लम दे रही है, उस पर सीधा टारगेट कर दिया हमने आर्चर के साथ एंड यहाँ पर आर्चर टावर है एंड दो ही मात्र कैनन्स बची, बम फटा मगर अपना हॉक्स दूर था। यहाँ पर एक कैनन्स बची है एंड बाहर की साइड पर है जायंट और वॉल ब्रेकर डिप्लॉय किया, दो कैनन्स है। वो ब्लास्ट वाली भी बच गई है ख़त्म, लास्ट में एक अभी कैनन्स है बट आर्चर्स हैं बाहर की साइड पे, अब ये हो नहीं पाएगा। थ्री स्टार लगता है, एक कैनन्स ने दिक्कत दे दी यहाँ पे एंड वन स्टार के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी लगता है हमें एंड वेट करते हैं, देखते हैं शायद हो जाए। ओके गाइस, देख लेते हैं बट हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो चलिए गोल्ड हम लोग लूट लेते हैं फटाफट, क्योंकि गोल्ड मिल जाएगा अपने, थोड़ा काम आ जाएगा। अपने पास गोल्ड बहुत ही कम था एंड ट्रेजरी से भी हमने निकाल लिया था गोल्ड, तो कोई ना हम लोग गोल्ड निकाल लेते हैं आर्चर के साथ एंड ये वन स्टार ही रह जाएगा लगता है, टू स्टार नहीं हो पाएगा क्योंकि कैनन्स है प्रॉब्लम देगी एंड बाहर की साइड पे आर्चर्स हैं एंड देखना है कितने परसेंट निकल सकता है ये अटैक। एंड गाइस, टाउन हॉल 4 की अटैक स्ट्रेटजी हम लोग देख रहे थे और टाउन हॉल को टारगेट कर लिया फाइनली गाइस आर्चर ने, बट यहाँ टाइम फेल हो जाएगा क्योंकि इतने कम टाइम में निकाल नहीं पाएंगी आर्चर्स। देखते हैं जूम करके, मुश्किल है गाइस, नहीं निकल पाएगा वो टाइम फेल, वरना टू स्टार तो था एंड फाइनली वन स्टार के साथ संतुष्टि। तो गाइस ये है, सेम आर्मी के साथ हम लोग एक और अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये बेस है टाउन हॉल 4 का, थोड़ा सा रस एंड 8 जायंट हैं, 2 वॉल ब्रेकर्स, 36 आर्चर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टारगेट रहेगा मोटार एंड कैनन्स, उसके बाद बाकी के डिफेंस। तो देखते हैं, टाइम स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले सीसी में लून्स, ओ भाई साहब लून्स निकल चुके हैं सीसी से बाहर, इनको हम लोग कॉर्नर में लेके जाएंगे एंड कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ गया, बाहर की साइड पे बिल्डर हट नहीं था इसलिए थोड़ा ज़्यादा दूर ले जाना पड़ रहा है हमें, ऊपर की साइड ले जाना था यार, यहाँ टाइम लग जाएगा। ओके, बहुत ही स्लो चल रहे हैं लून्स, लेवल 2 के लून्स हैं शायद। बाहर की साइड पर आर्चर वेट कर रही, पहुँचते इनको तबाही मचा देगी अपनी आर्चर्स एंड यहाँ पर बिछा दी हमने आर्चर्स को, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली लून्स की एंड लून्स खत्म हो चुका फाइनली। अपने जायंट्स डिप्लॉय कर दिया, एंटर कर जाएंगे अंदर की साइड पे, बट वॉल ब्रेकर को डिप्लॉय कर दिया, वॉल्स ओपन हो चुकी फाइनली एंड अपने जायंट्स जल्दी की साइड पर अंदर की साइड मूव कर जाएंगे एंड यहाँ पर आर्चर्स बैकअप देती हुई जायंट्स का पीछे से अच्छा बैकअप दे रही है। यहाँ पर ऊपर की साइड पर एक कैनन्स और एक आर्चर टावर है और हाँ, बढ़िया 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 बैकअप मिला अपनी आर्चर्स को, बोले तो जायंट को आर्चर का। एंड गाइस यहाँ पर अब ये हो जाएगा इजी तरीके से 3 स्टार, क्योंकि सारे डिफेंस निकल चुके हैं और क्लीन अप वर्क 20 ट्रॉफीज के साथ ये बेस 3 स्टार होने वाला है गाइस एंड एक अच्छी लूट के साथ। और आर्चर्स एंड जायंट्स का एक कॉम्बिनेशन बेस्ट आर्मी TH4 की एंड नेक्स्ट आर्मी आपको मिल जाएगी लून्स अटैक स्ट्रेटजी की, तो वीडियो देखते रहना गाइस। और ये परफेक्ट 3 स्टार होने वाला बस 97 एंड ये परफेक्ट 3 स्टार हो चुका है फाइनली गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।